Hello dear students, today we will continue the topic which name is A Visit to a Garden. प्यारे बच्चों, आज हम A Visit to a Garden इस सबक का अगला हिस्सा देखेंगे. पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बच्चे children विजिट के लिए आए थे, कहाँ आए थे? गार्डन. वहां पर उन्हें बोर्ड दिखाई दिया, बोर्ड को एक्सप्लेन किया उन्हीं के टीचर ने. अब नेक्स्ट बोर्ड जो उन्हें दिखाई दिया गार्डन में, उसकी वजाहत इस वीडियो में की जा रही है. हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड फोर्थ, टॉपिक नेम इज अ विजिट टू अ गार्डन. नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 74 and 75. Let's start. There was another big board near the tree. पास में ही एक और बड़ा तख्ते सिया वहाँ पर मौजूद था. There was a chart on the board with picture of a tree in it. उस बोर्ड पर एक चार्ट था जिसमें दरख्तों की तस्वीर मौजूद थी. What does it means? इसके क्या मायने हैं? The children asked, बच्चों ने पूछा कि इस बोर्ड के जरिए क्या बताना चाहते हैं? The teacher said, It is pictogram और पिक्टोग्राफ, सेड द टीचर. उस्ताद ने कहा, टीचर ने कहा कि इसे पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ कहते हैं. इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. तस्वीरों की मदद से ये बोर्ड तख्ते सिया हमें मालूमात फराहम करता है. This chart tell us how many trees of each type there are in this garden. गार्डन में कितने दरख्त मौजूद है और हर दरख्त की कितनी तादाद इस गार्डन में मौजूद है, ये हमें इस चार्ट से मालूम होता है. Now look at the chart carefully and tell me what tree there are in the garden. चलिए बच्चों, अब इसे इस चार्ट को गौर से देखिए और मुझे कहिए कि ये गार्डन में कितने दरख्त मौजूद है. मैंगो यानी आम, नीम नीम का दरख्त, जामुन जामुन का पेड़, बनियान बरगद का दरख्त, पीपल गुलमोहर, बकूल जारूल एंड रेन ट्रीज, ये तमाम दरख्त इस गार्डन में मौजूद है. बच्चों ने कहा, इसके बाद टीचर कहते हैं, वेरी गुड, नाउ टेल मी हाउ मैनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप देर आर. बहुत अच्छे बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि एक दरख्त के कितने अक्सा कितने टाइप मौजूद है, यानी कितनी तादाद है. जिस तरह मैंगो के कितने दरख्त है, नीम के कितने दरख्त है, जामुन के कितने दरख्त है, ये सवाल उनके टीचर ने उनसे पूछा. The children answer this question correctly. बच्चों ने सवालात के जवाब बिल्कुल सही दिए.